आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रोचेस टू व्हीकल डायनेमिक्स ठीक है सो व्हीकल डायनेमिक को स्टडी करने के लिए व्हीकल डायनेमिक में व्हीकल का बिहेवियर जो है डिफरेंट वर्किंग कंडीशन जैसे कि ब्रेकिंग एक्सल्रेशन ठीक है तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग कंडीशन में व्हीकल का जो बिहेवियर उसको स्टडी करने के लिए दो अप्रोचेस का यूज़ होता है ठीक है सो सबसे पहले जो है वो है एम्फेरिकल मेथड सो व्हीकल डायनेमिक को स्टडी करने के लिए सबसे फर्स्ट एम्फेरिकल मेथड एंड सेकंड जो है वो है एनालिटिकल मेथड ठीक है तो ये दो अप्रोचेज है और ये दोनों मेथड है जिस जिससे हम व्हीकल डायनेमिक का स्टडी करते हैं ठीक है ठीके? सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे एम्फेरिकल मेथड की तो जो एम्फेरिकल मेथड जो है वो ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड है ठीक है जिसके अंदर हम व्हीकल uh, परफॉर्मेंस जो है वो कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स व्हीकल परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करते हैं डिफरेंट कौन कौन से डिफरेंट कंडीशन में ठीक है उसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं जैसे कि द एम्फेरिकल अंडरस्टैंडिंग डिराइव फ्रॉम द ट्रायल एंड एरर बाय बाई विच वन लर्नस विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द व्हीकल परफॉर्मेंस कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो व्हीकल परफॉमेंस uh, पे इफ़ेक्ट uh, करते हैं एंड अंडर इन विच कंडीशन मतलब कि जो एक्सेलरेशन है ब्रेकिंग है ऐसी मतलब डिफरेंट कंडीशन के अंदर ठीक है कौन कौन से फैक्टर जो है वो व्हीकल के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है सो so, ये जो ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड है ये एम्फेरिकल मेथड का जो अप्रोच है ठीक है सिमिलरली अगर एनालिटिकल मेथड की बात करें तो इसके अंदर हम फिज़िकल uh, लॉज़ का इस्तेमाल करते हैं ठीक है फिजिकल लॉज़ यानी Uh, जैसे हम बोलते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर कोई भी बॉडी uh, पे अगर फोर्स कितना आता है तो हम बोलेंगे कि भी मास टाइम्स एक्सलरेशन ठीक है F इज इक्वल टू एम ए सो दिस मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेटेड बाय द एलजेब्रिक और द डिफरेंशियल इक्वेशंस दैट रिलेट द फोर्स एंड द मोशन ऑफ इंटरेस्ट टू कंट्रोल द इनपुट्स एंड व्हीकल और द ट्रायर प्रॉपर्टीज ठीक है तो व्हीकल Uh, की जो प्रॉपर्टीज uh, होती है व्हीकल का जो बिहेवियर होता है ठीक है सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम एज ए मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और उसको एनालिस करते हैं ठीक है सिमिलरली uh, अगर एम्फेरिकल मेथड की बात करें तो इट इज़ मोर एक्सटेंसिव एंड फोकस ऑन द एक्स एक्सपीरियंस वर्क दैट अदर रिसर्चर्स हैव ऑन देअर एक्सपेरिमेंट्स ठीक है सो एम्पेरिकल मैथड सबसे पहले तो ट्रायल एंड एरर बेस्ड मैथड है एंड एज वेल एज इसके इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है ठीक है uh, और एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंगली ये एम्फेरिकल मैथड में व्हीकल के परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी करते हैं ठीक है इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन कंसर्न और वेरीफाइड बाई द ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ठीक है और सिमिलरली एनालिटिकल मेथड में जो क्या होता है कि यहाँ पे डेटा कलेक्शन आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली ऑफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन बेस्ड ऑन द एनालिसिस और लॉजिक